सो हे गाइस, और कैसे हो आप सभी लोग, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, सबसे पहली न्यूज अपडेट के बारे में बात करते हैं, कैरी मिनाटी वर्सेस रजत दलाल के बारे में। सो आप लोगों को पता ही होगा गाइस, अभी कैरी मिनाटी की न्यू वीडियो आई है। तो कैरी मिनाटी ने उसी अपनी वीडियो में रजत दलाल को बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया था। उसके बाद रजत दलाल अपने चैनल पे एक वीडियो लेकर आए थे कैरी मिनाटी को थोड़ा मतलब बताते हुए कि डिलीट कर दो वो वीडियो, या तो ट्रिम कर दो मेरा वाला पार्ट, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। उसके बाद कैरी मिनाटी ने वो वाला पार्ट अपने वीडियो से ट्रिम कर दिया है गाइस, और जो वीडियो का थंबनेल था उसको भी चेंज कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, पहले का थंबनेल ये वाला और अभी का थंबनेल ये वाला। इसी के बाद कैरी मिनाटी अपोलोजाइज करते हुए अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जब भी मैं कोई रोस्ट वीडियो बनाता हूं या अपलोड करता हूं तो वो बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। फिर वो बोलते हैं एनीवेज, अगर मेरी वीडियो से रजत भाई को बुरा लगा और उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, और जैसा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो वाला पार्ट ट्रिम कर दो, तो मैंने ट्रिम भी कर दिया है एंड थंबनेल भी चेंज कर दिया है। फिर वो स्टोरी लगाते हैं अगली वाली, उसमें लिखते हैं असली जिंदगी में सिग्मा बीटा अल्फा सब बनना पड़ता है, वो अपनी वीडियो का लाइन बताते हैं। बेसिकली काफी सारे जो फैंस हैं कैरी मिनाटी के, वो मतलब बुरा मान गए हैं कैरी मिनाटी से, और मतलब एक तरीके से वो ये कमेंट कर रहे हैं कैरी मिनाटी को कि कैरी मिनाटी डर गए हैं जब से रजत दलाल ने उनको धमकाया है, इसलिए उन्होंने वो वाले पार्ट को ट्रिम कर दिया और साथ में थंबनेल भी चेंज कर दिया। काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं यही कैरी मिनाटी को। आप लोग क्या सोचते हो गाइस, आपका क्या थॉट है इसके बारे में, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल्सो गाइस, रजत दलाल अभी भी खुश नहीं है, जो इंस्टाग्राम पे कैरी मिनाटी ने ये वाली जो पोस्ट करी थी उनके लिए कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, रजत दलाल ने रिक्वेस्ट करी थी कैरी मिनाटी को कि ट्रिम कर दो, वो ट्रिम कर चुके थे, बट इसके बावजूद भी अभी वो खुश नहीं है रजत दलाल। उन्होंने रिएक्ट करके लिखा, रिक्वेस्ट चलो कोई बात नहीं कैरी मिनाटी, तगड़ा होने पे ध्यान दो। भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, रजत दलाल को अब चाहिए क्या, ट्रिम भी कर दिया थंबनेल भी चेंज कर दिया, अब क्या लोगे। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं आरसीबी फैंस के बारे में। सो गाइस, अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, अभी आपको पता होगा रिसेंटली आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच हुआ था, जो कि आरसीबी जीत गई थी 27 रन से। बट गाइस, जो आरसीबी फैंस का जो क्रेज था उस टाइम, बहुत ही गजब का क्रेज था गाइस, मैं एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं, आप देखिए वाली। गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, और भी काफी सारे आरसीबी फैंस का काफी ज्यादा क्रेजी क्रेजी वीडियो रिलीज हुआ है, काफी ज्यादा वायरल हुआ है, उनमें से एक वीडियो ये मैंने आप लोगों को दिखाई। काफी ज्यादा फैंस क्रेजी होगा इस बार क्योंकि क्वालिफाई कर गई है आरसीबी। सो गाइस, आप लोग क्या सोचते हो, क्या आरसीबी आपकी फेवरेट टीम है, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरी भी फेवरेट टीम है आरसीबी। गाइस आपको बता दूं, ओनली फैंस रिएक्ट नहीं करें आरसीबी के, यूट्यूबर्स भी रिएक्ट करें आरसीबी जब क्वालिफाई कर गई उसके ऊपर, टूएल के वसीम भी रिएक्ट करें, स्ले पॉइंट रिएक्ट करें, स्ले पॉइंट के अभिदया, नेक्स्ट टर्न, सारे लोगों की कंबाइन करके एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं, आप देखिए गाइस। गाइस पहुंच गए, क्वालिफाई कर लिया आपने। कहां से शुरुआत की थी और कहां पहुंचे थे, और क्वालिफाई कर चुके गाइस, अब होगा असली मजा, मोर पावर। देखो दोनों टीमें बहुत बढ़िया थी, कोई भी जीतती बराबर का दुख था, मगर आरसीबी क्वालिफाई कर गई ये बहुत बड़ी खुशी है। क्योंकि वो चेन्नई तो 5 बार जीत चुकी है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जीत गए, ये मैच ने जो स्ट्रेस दिया ना मुझे भाई, मेरी उम्र से 5-6 साल कम हो गए मैच देखते देखते। आज भाई साहब विकेट होता है छक्के मार देते, विकेट होता है छक्के मार देते हैं, और सीएसके भाई शर्म कर लो, कितना जीते, 5-6 ट्रॉफी पड़े हुए हैं, धोनी सर के पैर घुटने में दर्द है, फिर भी भाई और जीतना है, और जीतना है। अरे भाई इजीली जीतने देते ना, क्या क्या नीड क्या थी, तुम रेस्ट करो भाई, बहुत ट्रॉफी है, हमें चांस दो। जीत गए, कहां गए वो विराट के हेटर्स जो बोल रहे थे आरसीबी नहीं जीतेगी, सालो औकात में रहो औकात में, ठीक है, आज तुम्हारे पापा विराट ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। काफी सारे लोग यश दयाल को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो उन्होंने बॉलिंग करी लास्ट ओवर उन्हीं ने डाला था गाइस, काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग करी, तो काफी सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं यश दयाल को। ऑल्सो गाइस, उसी मैच से पहले विराट कोहली ने सुरेश रैना को थैंक यू भी बोला था। क्यों बोला, 2008 में एक टूर्नामेंट हो रहा था इमर्जिंग प्लेयर्स, और वो वाला टूर्नामेंट काफी इंपॉर्टेंट था तब के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों था इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट, क्योंकि जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते थे उस टूर्नामेंट में उनको सिलेक्ट करके इंडिया टीम में सिलेक्ट किया जाता था। उन्होंने बताया 2008 में इमर्जिंग ट्रॉफी टूर्नामेंट में उनको मतलब ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए, 2-3 मैच उनके फ्लॉप गए थे, के बाद जो कैप्टन थे उसी टीम के तो उन्होंने थोड़ा उनको बैकलैश दिया था, बट उसके बाद सुरेश रैना जब कैप्टन बने उसी टीम के दोबारा से, सो उन्होंने विराट कोहली को पिक किया और फिर ओपनिंग करने भेजा सुरेश रैना ने विराट कोहली को उसी अपनी टीम में। उसके बाद कोहली ने उसी मैच में 120 रन्स मारे ओपनिंग में ही। उसके बाद जो सिलेक्टर्स थे वो भी वो मैच वहीं पर देख रहे थे सभी के प्लेयर्स का, सो सिलेक्टर्स ने विराट कोहली को इंडिया टीम में सिलेक्ट किया, सो उसी के लिए विराट कोहली सुरेश रैना को थैंक यू बोले। ऑल्सो गाइस, हार्दिक पांड्या के लिए एक आपको बैड न्यूज बताता हूँ कि उनको बैन कर दिया गया है, वो 2025 का फर्स्ट आईपीएल नहीं खेल पाएंगे।
गाइस जो लास्ट मैच हुआ था मुंबई इंडियंस का उसमें ओवररेटेड मिनिमम ओवररेट के दौरान उनको बैन कर दिया गया है। ऑल्सो 30 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है हार्दिक पांड्या के ऊपर। जो बाकी प्लेयर्स है उनका 50% ऑफ मैच फीस का फाइन लगाया गया है। 25 का फर्स्ट आईपीएल में बैन क्यों लगा हुआ है हार्दिक पांड्या के लिए, क्योंकि गाइस जो अभी मैच हुआ था मुंबई इंडियंस का वो क्वालिफाई तो नहीं कर पाई है, सो उनको नेक्स्ट टर्म के लिए हैंड ओवर कर दिया गया है, जो कि अगले साल के लिए जो उनका पहला आईपीएल होगा उसमें वो बैन रहेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं धीरू मोंचिक के बारे में। सो गाइस उन्होंने अभी रिएक्ट किया हुआ है जो कैरी मिनाटी और रजत दलाल का जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा था, जिसमें अपोलोजाइज कर लिया है कैरी मिनाटी ने, उसके बाद भी रजत दलाल मतलब थोड़ा ना खुश है, तो इसी के ऊपर धीरू मोंचिक थोड़ा रिएक्ट करे। मैं आपको इनकी एक वीडियो दिखा दूंगा, आप देखिए। भाई इतना गंदा मूड खराब हो रहा ना मेरा, मैं कसम से बता नहीं सकता भाई। कल से शूट कर रहा है, मैं कल से एडिट कर रहा हूं वीडियो रजत दलाल और कैरी मिनाटी के बसड़ पे। अब भाई इनका सॉल्व हो गया, उसने अपनी वीडियो का पार्ट ट्रिम कर दिया जिससे रजत को दिक्कत हो रही थी, अब मैं मेरी वीडियो का क्या करूं। ऑल्सो लक्ष्य चौधरी एंड सम्राट भाई भी ट्विटर स्पेस पे बात करे इसी के बारे में, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। आपने वो देखा अभी वो जो है मतलब रजत दलाल उनका कैरी मिनाटी पर रिएक्शन आया है वीडियो पे। लक्ष्य भाई का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? अरे ऐसे ही कर रहे हैं रजत, कुछ ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, ऐसे ही कर रहे हैं भाई, वो भी खाली है वीडियो। पहले तो मैं सोच रहा हूँ मतलब आप कैरी ने, ये देखो तुम कैरी ने कब जाके देव त्यागी पे वीडियो बनाई, आप वो तब से इनएक्टिव ही है, ऐसा भी नहीं वायरल चल रही है। सम्राट भाई उसमें एक चीज और हुआ है ना कि जैसे वो डिलीट कर दिया तुरंत रजत ने, तुरंत डिलीट भी वीडियो अपनी डिलीट कर दी इंस्टाग्राम स्टोरी से। वो तो आदत है भाई की, थोड़ा गाली बनना शुरू होते हैं डिलीट कर दे। नो डाउट कैरी ने अभी इस टाइम पे इस टॉपिक को क्यों उठाया मुझे समझ नहीं आता, जबकि उसके पास और भी अच्छे थे। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि कैरी डायरेक्ट मैंने वाली बात आपसे कल भी पूछी थी, मैं आज भी पूछता हूँ, मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो भी आप सोच रहे हो इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। ऑल्सो गाइस रजत दलाल की एक वीडियो भी सामने आई थी, अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, वो क्या कहा है इसके बारे में, उन्होंने काफी कुछ बोला हुआ है अपनी वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। कई जगह ना मैंने एक चीज देखी कि रजत पे ना एक रोस्ट नहीं लिया गया, एक मजाक नहीं झेला। तो मेरे भाई दो तरह की ऑडियंस होती है, एक जो फेवर में बोलती है, एक जो अगेंस्ट बोलती है। अगेंस्ट वाली चीजें सबकी चुटी है, मेरी भी चल रही है, पर मैंने कभी रिस्पॉन्ड उस पर कुछ करा। कैरी को इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ ये चीज समझनी चाहिए कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर किसी को डिफेम कर रहा है वो इंसान को। आपने एक शब्द यूज करा चपरी, 3 महीने की कंट्रोवर्सी से आपने कंटेंट उठा लिया आपके मसाले के लिए जो काम करता। आपने पीछे जाके ये नहीं देखा कि 10 साल से एक इंसान काम क्या कर रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट जीतना पड़ता है, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। एक सीडी वाइज चीज बता रहा हूँ, मेरी पहली पोस्ट ना 12 इंटरनेशनल मेडल है। 4 महीने में मैं भी एक बहुत जबरदस्त रोस्ट बना सकता हूँ, बहुत जबरदस्त, जो बढ़िया चलेगा, और वो भी आपके ऊपर। आप 4 साल में इंटरनेशनल स्टेज पे पैर नहीं रख सकते, और चलो जुगाड़बाजी से अगर पैर रख भी दिया तो भाई बकलोली करने से ना अवार्ड मिलते हैं मेडल। ऑल्सो गाइस अभी आशीष चंचलानी और भुवन बाम भी रिएक्ट करे जो अभी कंट्रोवर्सी हो रही है कैरी मिनाटी वर्सेस रजत दलाल के ऊपर। आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करी, उन्होंने लिखा, सोच रहा हूँ कंट्रोवर्सी करके ही चैनल चलाऊं। उसके बाद वो भुवन बाम को टैग करते हुए लिखते हैं सॉरी बोल। अब वो क्या वीडियो पोस्ट करते हैं आप देखिए। इसके साथ लफड़ा करो, क्या स्क्रिप्ट बनाऊं जिससे लगे कि सबको जेन्युइन है, लेकिन एकदम मजा आ जाए, इंटरनेट पे एंगेजमेंट आ जाए। हर्ष को रोस्ट कर चुका हूँ, कैरी बिजी है, भुवन को करता हूँ, भुवन और मेरा अनएक्सपेक्टेड रहेगा। स्क्रिप्ट करता हूँ गाइस, कंट्रोवर्सी मजा आएगा। अब भुवन बाम आशीष चंचलानी की उसी स्टोरी को शेयर करते हुए लिखते हैं, उसे लड़ाई नहीं कर सकता इसलिए सॉरी एंड लव यू। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं जैकी श्रॉफ एंड थगेस के बारे में। सो गाइस थगेस का ये वाला जो वीडियो 4 साल पुराना, इसको हटाने के लिए जैकी श्रॉफ हाईकोर्ट गए दिल्ली के। कुछ दिन पहले जैकी श्रॉफ एक पेटिशन फाइल किए थे हाईकोर्ट में, सीकिंग प्रोटेक्शन फॉर हिज नेम लाइकनेस एंड यूजिंग द निकनेम ऑफ बीडू विदाउट ऑथराइजेशन। यस गाइस, जैसा कि उनका निकनेम जैकी, जग्गू दादा, बीडू, ये सब आप यूज नहीं कर सकते उनकी परमिशन के, अगर आप उससे पैसे कमा रहे हो तो। अभी एक्शन क्यों लिया है, बेसिकली काफी सारे लोग मीम्स बनाते हैं उनके इसी निकनेम को लेते हुए, मतलब काफी तोड़ मोड़ के एक मीम बनाया जाता है एक्टर्स का, जो कि विदाउट परमिशन से वो निकनेम यूज करते हैं सारे एक्टर्स के लिए, सो वो गलत है। ऑल्सो गाइस काफी लोग क्या करते हैं, जो कि मर्चेंडाइज है, उनके टी शर्ट्स हैं, हुडीज हैं, उस पे इस टाइप के उनके निकनेम लगा देते हैं एक्टर्स के और फिर पैसे कमाते हैं। भीड़ू होता है वहां पे नाम, जग्गू दादा भी होता है, तो ये सब गलत है। इसी के बारे में उन्होंने अभी बताया और हाईकोर्ट में जाके एक पेटिशन फाइल किया और थगेस का ये वाला 4 साल पुराना वीडियो डिलीट करवाना चाहते हैं। और गाइस ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, थगेस का पहले थग लाइव वीडियो बनाते थे तो वही वाला वीडियो है ये। जब थगेस को ये वाली बात पता चली उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई जिसपे लिखा, जैकी श्रॉफ वेंट टू कोर्ट अगेंस्ट मी फॉर अ वीडियो आई मेड 4 years ago।
फिर वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए भाई। मतलब समझ रहा हूँ ये साल अनएक्सपेक्टेड क्रॉसओवर, अनएक्सपेक्टेड लफड़ों का है, लेकिन जैकी श्रॉफ वर्सेस थगेश क्या होता है ये इतना अनएक्सपेक्टेड लफड़ा क्या होता है, मतलब कोर्ट के। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोर्ट का रिजल्ट आ चुका है, कोर्ट ने क्या बोला इसके बारे में, जो कि जैकी श्रॉफ ने पेटिशन फाइल किया था थगेश के अगेंस्ट में। तो कोर्ट बोलता है कि वीडियो डिलीट नहीं होगी तो राइट टू फ्री स्पीच का उल्लंघन होगा थगेश के लिए। यस गाइस, जो आपको पता होगा राइट टू फ्री स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए थगेश ने ट्वीट करके लिखा कि कोर्ट रिजेक्टेड दी जैकी श्रॉफ्स अपील अगेंस्ट मी टू टेक डाउन द वीडियो सेइंग इट वुड रिस्ट्रिक्टेड माय राइट टू फ्री स्पीच। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते सचिन तेंदुलकर के गार्ड्स के बारे में। सो गाइस, एक गार्ड ने गोली मार दी अपने आप को अपने नेक पे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उन्होंने अपने आप को क्यों मारा है। उसी जो सर्विस रिवॉल्वर मिली थी उन गार्ड को, तो उसी रिवॉल्वर से उन्होंने अपने अपने आप को नेक पे मार दिया है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन कुछ प्राइवेट रीजन की वजह से शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ऐसा पुलिस का कहना है। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में, जो कि आप लोगों को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है। दोस्तों ये वाली एक वीडियो है जो कि अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एक बंदा है जो कि एक माइनर लड़की को इनअप्रोप्रिएट तरीके से टचेस कर रहा है। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इस बंदे को अरेस्ट किया जाए, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस बंदे को अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं एलन मस्क के बारे में। सो गाइस, एक बंदे ने ट्वीट किया था ट्विटर पे, वी आर जस्ट अ फ्यू इयर्स अवे फ्रॉम लैंडिंग ऑन मार्स, हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हमें ज्यादा साल नहीं लगेंगे जब हम लैंड करेंगे मार्स पर। सो उसी के नीचे एलन मस्क रिप्लाई करते हैं उसी ट्वीट का, वो लिखते हैं लेस देन 5 years ऑफ अनक्रूड, लेस देन 10 टू लैंड पीपल, मे बी अ सिटी इन 20 years, बट फॉर श्योर इन 30 सिविलाइजेशन सिक्योर। सो एलन मस्क बताते कि अगले 30 साल में सिविलाइजेशन, मतलब कि लोग रहना चालू कर देंगे मार्स पर, और अगले 20 साल में एक सिटी बनेगी मार्स पर। ऑल्सो गाइज, आप लोगों को बता दो कि अभी फरवरी में एलन मस्क ने बोला था कि 1 million लोगों को वो मार्स पर ले जाएंगे, मतलब 10 लाख लोगों को मार्स पर ले जाएंगे। क्या भाई ये पॉसिबल है? अब पॉसिबल हो सकता है क्योंकि खुद एलन मस्क बोल रहे हैं कि अगले 30 साल में मार्स पर सिटी होने वाली है। सो गाइज, आपको पता ही होगा कि एलन मस्क क्या हस्ती है, वो मतलब टेक्नोलॉजी में टॉप पे ही आते हैं हमेशा। सो क्या लगता है गाइज, आपको 30 साल में मार्स पर आप जाने वाले हो? मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, आज के लिए बस इतनी न्यूज थी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा देना मेरी आगे वाली फ्यूचर वीडियोस के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।